हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के न्यू सेशन में। चालू में था इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस हम लोग पढ़ रहे हैं लालजी प्रसाद के बुक से। ये बीएससी पार्ट वन सेमेस्टर वन के लिए है। आज का एक न्यू टॉपिक लेंगे जिसका नाम है गामा एंड बीटा फंक्शन। गामा एंड बीटा फंक्शन, ठीक है। गामा और बीटा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप क्लास में बने रहे। क्लास को हम कंटिन्यू आके चालू करते हैं गामा एंड बीटा फंक्शन को। इसमें लिखा हुआ है बी गामा एंड बीटा फंक्शन। बात समझ में आ रहा ना? गामा और बीटा फंक्शन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गामा फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? गामा फंक्शन। गामा फंक्शन का थोड़ा सा डेफिनेशन हम लोग अगर लिखते हैं, द फंक्शन द गामा फंक्शन इज डिफाइंड बाय लिमिट क्या हो। देखिए इसको हम लोग टाउ लिखते हैं ना, टाउ जीरो से इंफिनिटी चलेगा, जीरो से इंफिनिटी। एक्स के पावर एन माइनस वन ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा। एन का वैल्यू जीरो से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? गामा फंक्शन। यदि जीरो से इंफिनिटी अगर लिमिट है, जीरो से क्या होगा? इंफिनिटी। एक्स के पावर एन माइनस वन e के पावर माइनस सिक्स डी एक्स रहेगा। n का जो वैल्यू होना चाहिए जीरो से बड़ा होगा। इस जो फंक्शन का हम लोग क्या बोलेंगे? गामा फंक्शन बोलेंगे। एक तरह से इंटीग्रेशन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है दिस, ठीक है, दिस इंटीग्रल। ये जो इंटीग्रेशन है आपका कन्वर्जेंस है, ठीक है। यूनिफॉर्मली समझ में आ रहा है चीजें? चलिए आगे देखेंगे। दूसरा हम लोग काम करेंगे, ये जो आपका फंक्शन होता है हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस। इच अ कंटिन्यूअस फंक्शन। जो गामा फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, उसके बाद कन्वर्जेंस होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे आपके पास गामा फंक्शन दे रखा है, जीरो से इंफिनिटी है, एक्स के पावर एन माइनस वन ई के पावर माइनस सिक्स डी एक्स है, ये दे रखा है। इसको नंबर हम लोग क्या मानते हैं? वन मान लेंगे। क्या मान लेंगे? वन मान लेंगे। अब थोड़े देर के लिए इसको हम पुट करते हैं कि n के जगह पर n प्लस वन पुट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा? टॉर्क n प्लस वन जीरो से इंफिनिटी। यहाँ पे n प्लस वन रखेंगे तो x के पावर n आएगा, e के पावर माइनस सिक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले को इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, और इंटीग्रेशन क्या होगा? बाई पार्ट से होगा। लिखेंगे यूजिंग बाई पार्ट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे है तो गामा लिखेंगे और एन प्लस वन, इसमें ध्यान से देखेंगे आई लेट है तो एक्सपोनेंशियल बाद में, पहले हम लोग अलजेब्रिक को बाहर निकालेंगे। जैसे एक्स के पावर एन को बाहर, ई के पावर माइनस एक्स, जीरो से इंफिनिटी, बीच में क्या आएगा? माइनस। इसका डिफरेंशिएशन एन एक्स के पावर एन माइनस वन, इसका इंटीग्रेशन जैसे करते हैं इसके कोफिशिएंट हुए जीरो से, और ये डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो ये मिलेगा गामा एन प्लस वन इक्वल टू, ये हुआ एक्स के पावर एन ई के पावर माइनस एक्स होगा। माइनस एक्स है तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? माइनस वन है, और वह माइनस कहाँ आएगा? नीचे आएगा। जीरो से हम लोग इन्फिनिटी लेंगे, ये माइनस मिलकर के प्लस, एन को बाहर, जीरो से इन्फिनिटी, एक्स के पावर एन
ई के पावर माइनस सिक्स डी एक्स लिख सकते हैं। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, जैसे x के जगह पर हम जीरो, ठीक है, x के जगह पर इंफिनिटी के पावर n रखेंगे, e के पावर माइनस इंफिनिटी, सीधी से वैल्यू क्या देता है, जीरो दे देगा। ठीक है, जैसे हम उसको लिखेंगे पावर n प्लस 1 बराबर x के जगह पर इंफिनिटी रखा जाए, ठीक है, माइनस 1 है बीच में, माइनस जीरो रखेंगे, ये क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है, टोटल टर्म क्या आ जाएगा, जीरो। इसकी जो वैल्यू है यहाँ से हम लोग पुट कर सकते हैं, ये जीरो से इन्फिनिटी है, वहां भी जीरो से इन्फिनिटी है, एक्स के पावर क्या है, एक्स के पावर एन माइनस वन है, वहां भी ई के पावर क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ, गामा ए लिखते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ए वैल्यू बिल्कुल जीरो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जीरो आएगा, क्योंकि ई के पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या आता है, जीरो आता है, e के पावर माइनस इंफिनिटी जीरो देगा तो टोटल जीरो होगा, और जीरो के पावर जीरो डेट इज इक्वल टू, सीधी सी बात है, k जीरो आएगा और n इसको लिखेंगे गामा a लिखेंगे, तो ये हुआ n प्लस 1 डेट इज इक्वल टू n, ये तरह से ये फॉर्मूला है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि कब लगेगा, जैसे आपके पास यहाँ पे 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 तो लिखना ही लिखना है, एन का भी हम क्या रखेंगे कि जोड़ने के बाद 2 आएगा, अब इतना बराबर क्या होगा कि एन बराबर कितना है 1, तो 1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, इसको हम लिखेंगे गामा 2 बराबर गामा 1, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल, इस टाइप से हम लोग इसको नोट करेंगे, बात समझ में आ रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं, इन पार्टिकुलर में देखते हैं, देखिएगा देखिएगा, पुट करते हैं n बराबर n, n माइनस 1, n माइनस 2 डॉट, लास्ट में क्या करेंगे 1, ठीक है, मतलब घटते जा रहा ना, पहले संख्या मान लेते कि 5 है, 5 में से 1 घटाते तो 4 आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, 3 में से 3, इस तरह से घटाते चलेंगे लास्ट में तो 1 मिलेगा ना, ऐसा काम कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, अगर n के जगह पर हम n पुट करते हैं, n के जगह पर n पुट करते हैं, एन प्लस वन आएगा, एन के जगह पर एन पुट कर देना है, तो पहला आ गया। अब एन के जगह पर क्या करना है कि एन माइनस वन रखना है यहाँ पे, तो ये कितना आएगा, एन माइनस वन यानी कि एन आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, एन के जगह पर एन माइनस वन, टाउ एन माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, अब की बार हम लोग क्या करेंगे कि एन के जगह पर एन माइनस टू रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन माइनस टू प्लस वन यानी कि एन माइनस वन आएगा, इतना हम लोग रखेंगे नहीं, सीधी सी बात है, इसको डॉट आउट कर लेंगे, क्या करेंगे, डॉट आउट कर लेते हैं, समझ में आ रहा है। अगर n का वैल्यू हम मान लेते हैं कि 2 रखते हैं, कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, कितनी रखेंगे, 2 रखेंगे, तो यहाँ पे बताइए एक या चीज आएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस 1 आएगा, ये 2 और ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 1 आएगा। ठीक है, बस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो टाउ 2 बराबर 1, टाउ 1 रखेंगे, इसी तरह से और आगे हम लोग चलेंगे, समझ में आया ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, गामा फंक्शन ये होता है, ये गामा फंक्शन हमेशा जो इंटीग्रेशन होता है कन्वर्जेंस होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ए फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, बाकी इसको एक के जगह पर एन प्लस वन पुट करके बाई पार्ट्स लगाए ए फाइनल डिसीजन आ गया। ठीक है, एन के जगह पर हम एक बार एन पुट करेंगे तो यही मिलेगा, एक बार एन माइनस वन पुट करेंगे तो यही मिलेगा, यहाँ पे देखिए सब कुछ है, यहाँ पे टू के बाद ही आया होगा वन, ठीक है, इसके बाद एन माइनस टू, एन माइनस थ्री डॉट डॉट, थ्री टू वन, अगर हम टू पुट करते हैं तो टू माइनस वन, यहाँ पे टू माइनस वन, इसको सोल्व करेंगे तो टाउ टू इक्वल टू इतना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या है, हो गया, अब इसलिए यहाँ पे देखिएगा दस लिखते हैं कि टाउ ए प्लस वन आ जाएगा, जिसको गामा बोलते हैं, एन प्लस कितना आएगा, वन आएगा, इस वाले को हम लोग एन इंटू एन माइनस वन लिखेंगे इसके कंडीशन में। ठीक है, एन माइनस वन आया ना, एक बार एन आया कि नहीं आया, देखिए अब की बार क्या आएगा, अब की बार अगर हम एन माइनस टू रखते हैं तो यहाँ पे एन माइनस टू रखते हैं, एन माइनस टू, एन के जगह पर क्या रखना पड़ता है, एन माइनस टू, दे अब की एन आया, एन माइनस टू आया, इसे डॉट आउट करते आते रहेगा। ठीक है, इसको एन माइनस हम क्या करेंगे, टू कर लेते हैं, लास्ट में कितना आ जाएगा, वन,
इनका भी टू आएगा, समझ में आ रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी होगा x के पावर n माइनस वन e के पावर x dx। ये काम कर लेते अब जाकर हमें क्या करना है, प्रूव कर लेते हैं कि n बराबर 1 पर वैल्यू दिया जाता है, इसको हटा दें। तो ये कितना मिलेगा, 1 इक्वल टू जीरो से इंफिनिटी, n के जगह पर हम लोग क्या प्रूव करना है, 1 प्रूव करना है, कोई दिक्कत है क्या। आगे हम लोग इसको बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू पता करना पड़ेगा ना कि गामा वन का वैल्यू क्या रहता है। ये तो जीरो आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, e के पावर माइनस एक्स, इसकी जो इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर माइनस एक्स बटा माइनस वन जीरो से इंफिनिटी, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस बाहर निकाल देंगे e के पावर इंफिनिटी, ये जीरो आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जीरो देगा और ये कितना देगा, वन। तो डेट इज इक्वल टू कितना मिला, वन। इधर से क्या होगा, गामा, मतलब याद रखना है कि जो गामा वन का वैल्यू कितना आता है, वन आता है। गामा वन का वैल्यू कितना आएगा, वन आएगा। बात समझ में आ रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसको, बात समझ में आ रहा है ना। अब आगे चलते हैं, यहां पे देख लीजिएगा, जैसे गामा एन प्लस वन बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट डॉट क्या आएगा, लगभग टू वन इस तरह से आने लगेगा, तब क्या आएगा, टू वन। वेन कब आएगा, वेन एन इज क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर दे, तो नेचुरल नंबर होगा तो इसको क्या लिखेंगे, एन प्लस वन। ये देखिए n का फैक्टोरियल आता है, क्या आएगा, n का फैक्टोरियल। जैसे n का फैक्टोरियल कहने का मतलब n इंटू n माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री डॉट चलते रहता है, कहाँ तक, लास्ट में वन तक। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर 5 का फैक्टोरियल करते हैं, इसका मतलब है 5, ठीक है, 5 माइनस वन उसके बाद कितना आएगा, 5 माइनस टू उसके बाद 5 माइनस थ्री उसके बाद 5 माइनस फोर, 5 माइनस फाइव करेंगे तो जीरो आ जाएगा ना। अब बताइए इस कम से कम वन तक रुकना है, कितने तक रुकना है, वन तक, वन के बाद जीरो नहीं है। तो 5 में से 4 हटाएंगे तो कितना मिलेगा, वन मिलेगा, इसको 5 इंटू सीधा लिखेंगे 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, इसको गुणा करेंगे तो ये 20 ये 60 यानी 100 क्या आएगा, 20 आ जाएगा। अगर n क्या होगा, नेचुरल नंबर, लगातार आ रहा है 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर रहेगा। पूछा गया कि n नेचुरल नंबर है तो गामा n प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, तो n का फैक्टोरियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, n का फैक्टोरियल बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है। दूसरी हम लोग टाइप पढ़ेंगे, जैसे गामा n इक्वल टू कितना होगा, 0 से इंफिनिटी है, ठीक है, ex के पावर n माइनस वन है, e के पावर माइनस एक्स और ये क्या है, dy। n का जो वैल्यू होगा जीरो से बड़ा होगा, इसमें हम लोग पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू पुट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना, x इक्वल टू ये नहीं, यानी कि हम लोग ay पुट करते हैं, तो dx बराबर क्या होगा, a dy हो जाएगा, होगा। इसको आप जल्दी में इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा क्या है, इफ x बराबर जीरो रखते हैं, x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, जीरो इक्वल टू ए वाई, तो डेट इज इक्वल टू वाई का वैल्यू क्या आएगा, जीरो रहेंगे, ठीक है। जैसे y बराबर a क्या आएगा, x बटा a है, अगर y हम x का वैल्यू क्या रखेंगे, इन्फिनिटी रखते हैं, इफ x बराबर इन्फिनिटी तो y इन्फिनिटी y ए डेट इज इक्वल टू इन्फिनिटी मिलेगा, समझ में आ रहा है ना। इसको चेंज करते हैं, चलिए ये क्या है, गामा a इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी x के पावर n माइनस वन e के पावर माइनस एक्स dy है, समझ में आ रहा है ना चीजें। अगर हम गामा n करते हैं तो ये जीरो से इन्फिनिटी, जब जीरो रखे तो y का लिमिट जीरो दिया, अगर हम x का वैल्यू इन्फिनिटी रखे तो y का भी इन्फिनिटी दे दिया,
एक्स के वैल्यू, एक्स का वैल्यू हम क्या करेंगे, ए वाई रखेंगे, क्या रखेंगे, ए माइनस वन, ई के पावर ए वाई, डी वाई यहाँ पे एक्स है तो डी वाई मिलेगा, मिलेगा इसको सोल्व करेंगे तो जीरो से इनफिनिटी मिलेगा, ए के पावर ए माइनस वन होगा, वाई के पावर ए माइनस, ई के पावर ए वाई हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। dx का जो है समान, देखिए dx इक्वल टू जो है a dy है, क्या है a dy, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे a, इसकी पावर 1 है, ये मिलेगा 0 से इनफिनिटी, a के पावर n माइनस 1 प्लस 1, y के पावर n माइनस, e के पावर a y dy, ये बिल्कुल कट जाएगा, इसको हम a के पावर n बाहर निकालेंगे और a मिलेगा y के पावर n माइनस 1, e के पावर ay dy, ये क्या मिला, गामा ए मिला, ठीक है, और समझ में आ रहा है, चाहे तो इसको हम गामा को ऐसे लिखेंगे, बटा क्या होगा, ए एन इक्वल टू जीरो से इनफिनिटी वाई एन माइनस वन ई के पावर ए वाई डी वाई, मतलब ए अलग फॉर्म है, ये गामा में ही कंडीशन है, समझ गए ना। तो पहले इस वाले को बस एक एक प्रॉपर्टीज याद रखेंगे, ज्यादा कुछ करना नहीं है, इस वाले को हम लोग एक गामा फंक्शन लिखे हैं, x के जगह पर ए वाई पुट कर देंगे, बाकी लिमिट चेक करेंगे, सभी को पुट करने के बाद एक और इंटीग्रेशन मिला, इस टाइप से हम लोग इसको लिख सकते हैं, समझ में आया। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं बीटा फंक्शन के पास, कौन सा फंक्शन देखेंगे, बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन, चलिए बीटा फंक्शन के बात करते हैं, और बीटा फंक्शन बहुत अच्छा है, बीटा फंक्शन होता है क्या है उसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे, दी बीटा फंक्शन, दी बीटा फंक्शन इज डिफाइंड बाय, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बी एम एन जीरो से क्या चलेगा यहां तक, वन चलेगा, ठीक है, एक्स के पावर, देखिए पहले एम है ना, यहाँ पे एम माइनस वन, वन माइनस एक्स, एन माइनस वन डी एक्स, एम और एन का जो वैल्यू होना चाहिए जीरो से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इस वाले को ये जो ए बीटा ये जो समाकलन है जीरो से वन है, एक्स के पावर एम माइनस वन है, वन माइनस एक्स के पावर एन माइनस वन डी एक्स है, इस वाले हम लोग इंटीग्रेशन को कौन सा बोलते हैं, बीटा फंक्शन बोलते हैं, कौन सी फंक्शन बोलते हैं, बीटा फंक्शन बोलेंगे, बात समझ में आ रहा है, आगे बढ़ जाए, बीटा फंक्शन बोलेंगे इसको। इसका एक प्रॉपर्टी होता है, जैसे आपके पास यहाँ पे दिया रहेगा पीटी, पीटी कहने का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेस ना, जैसे ये बीटा है, एम एन इक्वल टू क्या होगा, बीटा एन एम, हम लोग ये एन एच एस इक्वल टू आर एच एस, इस प्रॉपर्टीज का नाम हम क्या देते हैं, साइमेट्रिक होता है, समझ में आ रहा है चीजें, कि ए बीटा है, बीटा कहने का मतलब क्या होगा, एम एन, बीटा एम कोमा एन इक्वल टू बीटा एन कमा एम, एन एच एस इक्वल टू आर एच एस, हम लोग सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने का यही तरीका है कि दोनों वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, जैसे हम लोग जानते हैं वी नो डेट, वी नो डेट, जैसे ए क्या है, बीटा है, एम एन इक्वल टू जीरो से वन है, एक्स के पावर एम माइनस वन, वन माइनस एक्स, एन माइनस वन डी एक्स है, ये आपके पास है, समझ में आ रहा है चीजें, बात समझ में आ रहा है। अब इसमें हम लोग पुट करते हैं, पुट करने का एक तरीका होता है, पुट क्या करेंगे देखिएगा, हम इसको चेंज करते हैं, जहां पे एक्स है, क्योंकि ये आगे पीछे होना चाहिए ना, तो जहां पे एक्स है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, y माइनस वन पुट करेंगे, या इसको वन माइनस एक्स बराबर हम क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं,
वन माइनस, क्योंकि ये एन पहले आना चाहिए ना, तो इसे हम वाई माइनस एक्स करेंगे, वाई हो जाएगा क्योंकि एक्स के पावर एम माइनस वन है तो एम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको एन माइनस वन होना चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो वन माइनस एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे, वाई रखेंगे। जैसे एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो आपका एक्स का वैल्यू ये इधर गया प्लस में, ये इधर आया माइनस में, और इसको हम dx के बाद कर रहे हैं, क्या बात है, ओके dx का बाद तो माइनस किया जाएगा dy आ जाएगा। सिंस y बराबर 1 माइनस 6 है, अब इसको लिमिट को चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, लिमिट चेंज करते हैं, समझ में आ रहा ना, इफ x का वैल्यू 0 है तो y बराबर 1 माइनस 6, कहने का मतलब 1 बाय सिंथेटिक इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, मिलेगा ना। अच्छा इफ x का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 माइनस 180 इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि इसमें रखा है, लिमिट चेंज हो गया। अब जो बीटा है उस वाले को सिंस लिखेंगे कि बीटा m a इक्वल टू 0 से 1 x के पावर m माइनस 1 1 माइनस x n माइनस 1 dx है। अब यहाँ पे बीटा होगा m n इक्वल टू, प्रूव करने के लिए देता है ना, एग्जाम में देता है ये, इसका प्रूफ कर कीजिए, बिल्कुल। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें कि जहां पे x नजर आ रहा है, देखिएगा जब जीरो लिमिट रखे तो क्या मिला, वन मिला, क्या मिला, वन, और वन रखे तो क्या मिला, जीरो। x की जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा, तो वन माइनस वाई, ऊपर में एम माइनस वन माइनस एक्स, तो वन माइनस एक्स का वैल्यू क्या है, y है, तो y लिखेंगे, और y के पावर कितना आ जाएगा, n माइनस वन, और dx के जगह पर माइनस dy है, हमने इसको dy लिख दिया, कोई दिक्कत क्या। इस वाले को हम इसमें लिखेंगे m n इक्वल टू माइनस को बाहर 0 से 1 लिख सकते हैं, ये y के पावर n माइनस वन, वन माइनस y के पावर m माइनस वन dy लिख सकते हैं, ऐसा क्यों लिखे, अभी लिमिट को चेंज नहीं करना है ना, चलिए क्यों लिखे। इस फॉर्मेट में हमने देखा कि पहले केवल x है, तो x मतलब y है, थोड़ा सा x की जगह पर y है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, उसमें 1 में से क्या घटा, x, तो 1 में से यही ना घट रहा था, तो इसको बाद में लिखेंगे और इस वाले को पहले लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट चेंज करने के बाद साइन चेंज होता है, लिमिट चेंज करने के बाद क्या आता है, साइन चेंज होता है, तो y के पावर n माइनस वन, वन माइनस वाई के पावर एम माइनस वन डी वाई है। अब ये क्या है, बीटा एम एन, ध्यान से देखेंगे कि एक्स के पावर एम था तो पहले क्या लिखा है, उसी तरह से एक्स के जगह पर क्या है, लिमिट दोनों के क्या है, सेम है, वेरिएबल चेंज है, फिर भी पावर क्या है, एन, क्या पावर है, एन, तो हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे कि एम लिखेंगे, पहले x y पावर m था तो क्या लिखे, m पावर n है तो क्या लिखेंगे, m। अच्छा 1 में से x घट रहा है, 1 में से घटाया गया है वेरिएबल के, यहाँ भी घट रहा है, दोनों सेम है, पावर क्या है, n माइनस 1, तो क्या लिखा था, m, अब की बार क्या है, समझ में आया, समझ में आ गया ना, तो इसको आप बिल्कुल लिख लेंगे, समझ में आया कि एन एच एस इक्वल टू क्या होता है, आर एच एस होता है। फिर से यहाँ पे देखो समझा दे रहे हैं ना इस वाले को फॉर्मेट में, जैसे नोट्स में ऐसे, जैसे आपको बी एम एन है, इसका मतलब 0 से 1 है, एक्स के पावर एम माइनस 1 और 1 माइनस एन माइनस 1 डी एक्स है, तो ये लिखा गया है। जैसे यहाँ पे बी होगा एन एम हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, पहले क्या है, एन है, उसके बाद क्या है, एन है, इसका मतलब क्या है कि 0 से 1 है, तो एन माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स एम माइनस 1 डी एक्स हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। बोलिए कि अगर हम बीटा यहाँ पे वेरिएबल चेंज करना चाहते हैं, जैसे 0 से 1 हो गया, ये जेड हो जाएगा, एन माइनस 1 आएगा ना, और 1 माइनस जेड, तो वेरिएबल चेंज करने से कोई मतलब है नहीं, फॉर्मेट देखना है कि वेरिएबल या तो एक्स है या तो वाई है या तो जेड है, बस देखना है कि 0 से 1 है, पावर कैसा दिया है, पावर इस रूप में है तो हम लिख सकते हैं क्लियर, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव किए हैं,
अप्रूव कर लिए हैं, वी नो डेट हमने देखा, वी नो डेट ने लिखा है यहाँ पे, आउटपुट किए 1-6 के जगह पर y, लिमिट को चेंज किए, बाकी इसको आगे पीछे हम लोग करके यहाँ पे लिखे हुए हैं, माइनस यहाँ पे चेंज करेंगे, प्लस करेंगे तो लिमिट को चेंज करेंगे, बाकी इसको सॉल्व किए। इस फॉर्मेट से हमने देखा कि बीटा का फंक्शन है ये दिख रहा है, पहले एम था तो एम लिखे, बाद में एम है तो एम लिखे, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। चलिए आप इसको जल्दी से नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जीरो से वन ही होता है ना, बुक में वो एक डेटे दिया है, सुधार लेंगे, फिर उसका गलत है। ए में है ठीक है, जीरो से वन होना चाहिए और एक्स के पावर ए माइनस वन, वन माइनस एक्स एन माइनस वन डी एक्स, ये जो रहेगा हम लोग इसको रखेंगे ए में, एन लिखेंगे ठीक है। मतलब यहाँ पे वेरिएबल अगर एक्स है तो एक्स में होना चाहिए, लेकिन पावर ए इसके अलावा कुछ लिखना नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है ना। हाँ, एक्स के जगह पर वाई चलेगा, वाई की जगह पर हम लोग जेड लिख सकते हैं, ये अलग बात है। जैसे एक हम यहाँ पे नंबर टू देखते हैं, एक है यहाँ पे पीटी लिखा हुआ है, पीटी कहने का मतलब क्या है, प्रूव डेट। जैसे जीरो से क्या होगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, जीरो से क्या आएगा, इन्फिनिटी, यहाँ पे एक्स के पावर ए में माइनस वन हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। और वन प्लस एक्स है एम प्लस एन, और ए डी एक्स इक्वल टू क्या लिखा है कि बीटा है एम और क्या है एन, यही तो लाना है ना, समझ में आ रहा है। देखिए इसको बहुत आराम से लिखेंगे, इसको हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेगा, देखिए मैं लेट मानना पड़ेगा, और ये ऐसा प्रॉपर्टीज है कि आपको कुछ ना कुछ याद रखना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पे एक्स बराबर हम लोग पुट करते हैं वाई, वन माइनस वाई ठीक है, क्योंकि वन माइनस क्या है एक्स है, तो अब x में तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि x में है तो हमने y में चेंज करके बनाएंगे, तो 1 माइनस एक्स के जगह पर 1 माइनस वाई लिखेंगे, और x है तो x इसी को लिखे, x बटा 1 माइनस एक्स डेट इज इक्वल टू y कंडीशन में लिखा गया है। अगर हम इसको सॉल्व वगैरह करेंगे तो x का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, चलिए छोड़ देते हैं इसका। देखिए इंटीग्रेशन आप करिए, डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन जो हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, वन बटा 1 माइनस वाई का स्क्वायर डी वाई मिलेगा, बस यही आपका ए डिफरेंशिएशन मिलेगा। जैसे कैसे मिलेगा, देखिए नीचे वाला कहाँ जाता है, ऊपर में, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो डी वाई में डी मतलब वन आ जाएगा, बीच में माइनस, इसका डिफरेंशिएशन बताएंगे तो ये जीरो, ये क्या आ जाएगा वन बटा नीचे वाले को स्क्वायर ठीक है, वाई के साथ डी वाई लगा देंगे तो ये वन y माइनस माइनस प्लस आ जाएगा बटा 1 माइनस y का होल स्क्वायर, ये बिल्कुल क्या होगा कटेगा, तो 1 बटा यही ना मिलेगा, डायरेक्ट आप लोग डिफरेंशिएशन u / v के फॉर्मेट में लिख लीजिएगा। लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा ना, देखिएगा सिंस यहां पे x बराबर y बटा 1 माइनस y है, इफ x बराबर हमने क्या किया 0 रखा, क्या किया 0, तो इसमें क्या आएगा 0 इक्वल टू y बटा 1 माइनस वन, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, मतलब हम 0 बात करते हैं तो क्या आएगा 0, x बराबर क्या रखेंगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी y बटा 1 माइनस इन्फिनिटी ठीक है। इसको हम लोग ऊपर नीचे लिख सकते हैं तो क्या मिलेगा बताइए, 1 बटा इन्फिनिटी इक्वल टू 1 माइनस y बटा y, 1 बाई इन्फिनिटी का वैल्यू क्या आता है 0 आता है, क्या आता है 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये तो 0 में चला जाएगा, 1 माइनस y इक्वल टू 0, y बराबर कितना दिया 1, समझ में आ रहा है ना, नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं देखिएगा, ये निकालते हैं, जैसे नाउ इंटीग्रेशन 0 से क्या है इंफिनिटी है, x है m माइनस 1 बटा 1 प्लस x ना m प्लस a, अगर हम x का वैल्यू यहां से निकालते हैं क्योंकि 1 प्लस x है ना, तो 1 प्लस x का भी तो वैल्यू निकालना पड़ेगा, 1 प्लस x का भी तो वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, इसका अगर हम x का वैल्यू, सॉरी सॉरी एक मिनट, अगर हम इसमें 1 प्लस x निकालते हैं
तो वन करके इसका वैल्यू रखिएगा, एलसीएम लेकर के कहिएगा तो सीधी सी बात है इसका वैल्यू क्या आएगा, वन बटा वन माइनस वाई आएगा। कैसे आएगा देखिएगा, वन प्लस एक्स डेट इज इक्वल टू वन हो गया, एक्स का वैल्यू कितना है वाई बटा वन माइनस वाई है, इसको एलसीएम लीजिएगा तो वन माइनस वाई प्लस वाई बटा कितना आ जाएगा वन माइनस वाई, बिल्कुल कटेगा तो वन बटा कितना मिलेगा, समझ में आया ना चीज़, वन प्लस एक्स कैसे निकालेंगे, वन रखे एक्स का वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करके इसको सोल्व करेंगे तो वन बटा वन माइनस वाई मिल गया, मिला। तो अब इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, देखिएगा कैसे पुट करेंगे, इतना बराबर हम लोग लेंगे तो जीरो, जब हम जीरो रखे तो लिमिट भी कितना आया जीरो आया, लेकिन इंफिनिटी पर कितना दिया वन, एक्स के जगह पर हम क्या रखेंगे देखिएगा वाई बटा वन माइनस वाई, पावर क्या है एम माइनस वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स का वैल्यू वन बटा वाई और एम प्लस एम, इसका डिफरेंशिएशन बताएंगे वन बटा वन माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा डी वाई आएगा, सामने देख लीजिए सब कुछ। अब इसको हम लोग क्या करेंगे रोटेट करके देखेंगे, रोटेट करना बर्थडे का कैसे करें इसको देखिएगा, इस वाली को फॉर्मेट में हम लोग जीरो से वन लिखेंगे, वाई की पावर क्या है एम माइनस वन आ गया, देखिएगा धीरे धीरे आ रहा है ना, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे देखिएगा वन माइनस एम माइनस वन हो गया, हो गया वन की पावर कुछ करेंगे ये कहाँ चला जाएगा ऊपर में, नहीं समझे एम प्लस एम, नहीं समझे वन तो रहेगा ना तो वन से कोई इसका पावर करेंगे तो बाटा है बाटा है बाटा है ये कहाँ चला जाएगा ऊपर में, अच्छा इसमें हम लोग क्या करेंगे इनटू वन माइनस वाई के ऊपर से क्या करेंगे स्क्वायर दे देंगे, दे सकते हैं। अब इसमें देखिएगा ये कितना माइनस में देंगे ऊपर जाएगा तो माइनस ए डी वाई, ध्यान से देखेंगे ये हो जाएगा जीरो से वन वाई के पावर एम माइनस वन आ जाएगा, आएगा हमें वन माइनस एक्स एन माइनस वन चाहिए, चाहिए ना, तो यहाँ भी वन माइनस वाई है यहाँ भी वन माइनस वाई है यहाँ भी वन माइनस वाई है, ये क्लिक करके सभी पावर को ऐड कर दे तो देखिएगा वन माइनस वाई पावर क्या है एम प्लस एन, ये क्या है और ये ऊपर गया तो क्या निकल गए अरे वो प्लस, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस ए डी वाई आ जाएगा, इसको सॉल्व करके बताइए आपके थोड़ा सा बताओ, एम से एम कट गया और एन माइनस क्या मिलेगा, अब बताइए बीटा फंक्शन के कंडीशन पे आया कि नहीं आया, सामने देखिए एक्स है एक्स के जगह पर क्या है लेकिन पावर क्या है ए में से वन, ए में से वन, वन माइनस एक्स है वन माइनस वाई है वेरिएबल वाई है, एन माइनस क्या है वन, एन माइनस वन डी एक्स है तो क्या है डी वाई है, जीरो से क्या है वन है, जीरो से क्या है वन है, तो क्या ये बीटा फंक्शन आया, इस वाले को हम क्या लिखेंगे बी, पहले क्या लिखेंगे एन और इसको एन, कहाँ दिक्कत है बताओगे थोड़ा सा, आप लोग इसको डिफरेंशिएशन बढ़िया से कर लेंगे ना यू वाई जी में कर लेंगे, या अगर वन प्लस सिक्स निकालना पड़ेगा वन प्लस सिक्स दिया है तो वन है और एक्स का वैल्यू जोड़ करके निकालिए ना यही मिल जाएगा, ठीक है ताकि लिमिट चेंज कर लीजिए और इसको बढ़िया से इसको हम लोग वन के पावर एम प्लस वन देंगे तो वन ही आएगा और नीचे वन माइनस वाई है तो ये चला जाएगा ऊपर में और इसको ऊपर ले गया तो साइन चेंज हो जाएगा, इसको भी ऊपर ले जाते तो ये माइनस से प्लस हो जाता और ये क्लिक करके सभी पावर को ऐड कर देंगे बाकी ये बनेगा ये बीटा फंक्शन है डेट इज इक्वल टू बीटा एन कमा एन एन एच इज इक्वल टू आर एच एस, चलिए आप इसको नोट करेंगे उसके बाद फिर से एक और देखेंगे, ठीक है समझ में आ रहा है चीजें, पहले देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे वी नो डेट हम जानते हैं क्या जानते हैं गामा एम जी एम जीरो से क्या होगा इनफिनिटी आएगा, जीरो से क्या आएगा इनफिनिटी, एक्स के पावर एम माइनस वन
समझ में आ रहा है मुझे। और e के पावर क्या आएगा, माइनस ए जे डी जे, ये हम लोग काम कर लेंगे। x कंडीशन है, एक मिनट, यहाँ पे x होगा और यहाँ पे क्या आएगा, डी एक्स आएगा। समझ में आया ये चीजें कहाँ से लिखा हुआ है, जेड में लिखे है ना, जेड में होगा। समझ में कहा, अरे जो बीट गामा फंक्शन का दूसरा हम लोग सेकेंड फॉर्म में पढ़ाया था ना, फिर नीचे क्या आया था, ए के पावर एन आया था, ए के पावर एन दिख रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे, ए नॉन लेकर के जेड लिख दिए हैं, ए नॉन लेकर के क्या लिखे हैं, जेड लिखे हैं। बात समझ में आ रहा है ना। अब इस वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए गामा एन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गामा एन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जीरो से क्या आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा, इंफिनिटी आएगा। बात समझ में आ रहा है, अब बताइए ये कितना आएगा, जेड एन एक्स एन माइनस वन ई के पावर जेड एक्स, और ये क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। ये इतना काम कर लेंगे, काम कर लेंगे ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई क्या से करना पड़ेगा, e के पावर माइनस जे जे इन माइनस वन। क्यों, देखिएगा आपके पास जो गामा होता है उसका वैल्यू क्या आता है, जीरो से इनफिनिटी होता है, और x के पावर एन माइनस वन ई के पावर माइनस सिक्स डी एक्स होता है, यही ना होता है। तो हम इसी टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे, e के पावर माइनस जेड कहने के मतलब e के पावर माइनस एक्स है, उसके बाद जेड है, जेड की जगह पर एक्स है, एन माइनस वन क्योंकि यहाँ भी तो जेड है ना, मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बॉक्स है, मल्टीप्लाई एंड इसका इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू किसमें करें हम लोग, बताइए जेड में, और फ्रॉम जीरो टू क्या करेंगे, इंफिनिटी लेंगे, जीरो टू इंफिनिटी। इसमें देखिएगा गामा होगा मल्टीप्लाई जेड एन माइनस वन ई के पावर जेड, इंटीग्रेशन क्या लगाना पड़ेगा, जेड मतलब डी जेड, जीरो से क्या चलेंगे हम लोग, इंफिनिटी हो गया। यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा मल्टीप्लाई करके जीरो से इंफिनिटी इसका इंटीग्रेशन, क्लियर है, जीरो से इंफिनिटी इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये देखिएगा जीरो से क्या होगा, इंफिनिटी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ई के पावर माइनस जेड जेड एन माइनस वन होगा, ए क्या है पहले से जेड एम एक्स के पावर एम माइनस वन ई के पावर जेड एक्स हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या रखेंगे, डी एक्स रखेंगे, क्या रखेंगे, डी एक्स रखेंगे, और अंदर में चाहे तो हम लोग क्या रखेंगे, डी एक्स रखेंगे। इसको देखिएगा, इस वाले फंक्शन को और इस वाले फंक्शन को देखिए, आप लोग देख लिए वहां पे एक्स है तो यहाँ पे क्या है, जेड है, एन माइनस वन है, एन माइनस वन है, जीरो से वन लिमिट है, इसको हम क्या लिखेंगे बताइए, गामा एन, और इसको गामा एन लिखेंगे, ठीक है, जीरो से क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी। इस वाले को बाहर निकाल दे क्या, ये क्या मिलेगा, e के पावर माइनस जेड e के पावर माइनस जेड, हम लोग क्या करते हैं दोनों को ऐड करेंगे, e के पावर माइनस इसमें जेड, क्या हम इसको कॉमन कर सकते हैं, तो वन प्लस सिक्स मिलेगा। अच्छा इस वाले को और इस वाले को आप देखिए, दोनों का ऐड कीजिएगा तो जेड हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी जेड एम प्लस एन माइनस वन होगा। आगे बढ़ जाते हैं, इसको e के पावर माइनस जेड वन प्लस एक्स डी जेड, और बाहर में x के पावर एन माइनस वन डी एक्स, कोई दिक्कत। अब ये इंटीग्रेशन हम लोग क्या लगाएंगे, बाई पार्ट्स लगाएंगे, बाई पार्ट्स हम उतना नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये वाला अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पे इसको बाहर निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बाहर वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो बाई पार्ट्स लगेगा, तो ये सीधी सी बात है कि ये गामा आ जाएगा और एक का गामा एन आएगा। अच्छा इसमें हम लोग क्या करेंगे, जीरो से इंफिनिटी लिखेंगे, जीरो से
इनफिनिटी लिखेंगे, समझ में आ रहा है। और इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, गामा लिख देते हैं, एम प्लस एन, एम प्लस एन। जैसे यहाँ पे एन है तो क्या लिखा है, एन लिखे हुए आगे बढ़ेंगे बटा ये वन प्लस क्या है एक्स है, वन प्लस क्या है एक्स है, इसकी पावर क्या देंगे एम प्लस एन, एम प्लस एन। और ये बाहर क्या है एक्स एन माइनस वन डी एक्स। इस वाले को हमने कहा निकालेंगे, बाहर निकालते हैं, यहाँ पे बाईपास वगैरह लगा के डायरेक्ट यहाँ से कर लीजिएगा, ये गामा एन इंटू क्या होगा गामा एन इक्वल टू, इस वाले को हम क्या करेंगे गामा एन प्लस एन रखेंगे, जीरो से इंफिनिटी हो जाएगा। ये यहाँ पे एक्स के पावर एम माइनस वन बटा वन प्लस एक्स और एम प्लस एन डी एक्स। अभी जस्ट इसका हम एक प्रॉपर्टीज पढ़े थे, इतना बराबर क्या था बीटा एन कमा एन आया था, अभी जस्ट पुट करके बताए थे तो मतलब है ना, अभी ये गामा फंक्शन है इसको हम लोग बीटा में चेंज कर दिए थे, अब बीटा में चेंज कर दिए थे तो इसको क्या लिखे थे, ये आ जाएगा आपके पास देखिएगा गामा एन गामा गामा एन और इसको गामा एन प्लस एन इंटू इसको बीटा है एम और एन लिखेंगे, अभी जस्ट पढ़ाए थे। अब हमें निकालना है क्या निकालना है बीटा, तो कहने का मतलब अगर हम बीटा एम एन निकालेंगे तो ये वाला मल्टीप्लाई क्या में चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, समझ में आ रहा है चीजें, बेटा कितना आ जाएगा दोनों का सम, समझ में आ रहा कुछ यहाँ दिक्कत है ना, तो दिक्कत क्या है कि बाईपास आप लगाइएगा, बाईपास लगाने के बाद अपने ही बनना चालू हो जाता है, तो सीधी सी बात है कि आप इतना थोड़ा सा याद ही रखिएगा, ये बोला तो बाहर में है बिल्कुल इसको याद रखिएगा कि एम प्लस एन गामा लगा देंगे और वन प्लस एक्स अब पावर वाई एम प्लस एन दे देंगे, ठीक है। इस वाले को बाहर निकालेंगे तो इतना बनेगा और इतना बराबर बीटा एम एन होता है, बस बीटा एम एन निकालेंगे तो ये बटा में चला जाएगा एच एस इक्वल टू आर एच एस। पहले क्या करेंगे कि ये फॉर्मेट लिख देना है, जेड में लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेट करेंगे जेड में जीरो से इंफिनिटी ले लेंगे, ये वाला गामा फंक्शन बन जाएगा, बाकी इसका हम लोग यहाँ देख लेंगे और इसको आगे पीछे निकाल करके इसको फॉर्मूला लगा देंगे बीटा एम एन निकालेंगे डिवाइड में चला जाएगा, बात समझ में आ गया। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं और अगले क्लास को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके।